Good afternoon. So today we will be doing certain numericals related to investment multiplier. Iska theoretical aspect hum already kar chuke hain. Now we'll be coming to the numerical portion. Uske liye pehle hum kuch formulas jo hume, you know, chahiye honge, pata hone chahiye in order to solve the numerical, we will be going for that. So kuch formulas hain, bahut hi kam formulas hain is chapter ke. And very simple one. You need to write it down first. K is what? K is delta Y over delta I. Ratio of change in income to change in investment. Then K depends upon what? K depends upon MPC. K is equal to 1 over 1 minus MPC. Because MPC plus MPS is equal to 1, so K is equal to 1 over MPS. So, इसके बीच में रिलेशन इनवर्स है. ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो इनकम ज्यादा ग्रो होगी, मल्टीप्लाई होगी. सेविंग ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लायर कम ऑपरेट करेगा. ठीक है. फोर्थ, डेल्टा वाई इक्वल्स 1 over 1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई. ये लिख लो, फिर मैं इसको इसकी डेरिवेशन बताती हूं आपको. ये कैसे डिराइव हुआ? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी इनटू डेल्टा आई. सो इन सर्टेन न्यूमेरिकल्स यू मे बी गिवन कि हमने इकोनॉमी में भी इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इस इकोनॉमी की एमपीसी इतनी है, तो बताओ इनकम कितनी बढ़ेगी. हमें पता इनकम कितनी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा वाई इज वॉट? के इंटू डेल्टा आई. अगर आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, तो आप मल्टीप्लायर से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डेल्टा वाई आ गया. लेकिन अगर आपके पास के की वैल्यू नहीं है तो के एमपीसी की वैल्यू है, तो एमपीसी की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लोगे. क्या है के की वैल्यू? 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ. ये k इक्वल्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा है. ये लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन k डिपेंड्स अपॉन 1/1 माइनस एमपीसी. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल. दैट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू 1 over 1 minus MPC. Now you need to know the value of income. So isko cross multiply kar denge. 1 over 1 minus MPC into delta I. ठीक है, ये बन गया. लेट अस से अगर न्यूमेरिकल में कहा भी इनकम इतनी बड़ी, एमपीसी इतनी थी, बताओ कितने की इन्वेस्टमेंट की है हमने, तो अगेन सेम फॉर्मूला यू कैन मेक यूज ऑफ. और कोई फॉर्मूला बस कैसे कोई ये यूज हो सकता है? हमें पता है एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. तो वो वैल्यू अगर आपको लेट अस से एमपीसी गिवन है, डेल्टा वाई गिवन है, डेल्टा सी निकालना है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई. इसी तरह एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. तो अगर आपको डेल्टा एस निकालना है तो एमपीसी इंटू डेल्टा वाई कर लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी. एमपीएस इंटू डेल्टा वाई. सो बस यही फॉर्मूलाज हैं बेटे जो आपको लर्न करने हैं. एक्चुअली में ये कोई खास फॉर्मूलाज नहीं है, सिंपल डेफिनेशन से ही बने हुए हैं. सो वेरी इजी टू मेमोराइज. देयर इज नो सच थिंग एज कि आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रही हूँ. राइट डाउन, फाइंड के इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.6. तो
के निकालना है, एमपीसी गिवन है, ये फॉर्मूला के इक्वल्स वन ओवर वन माइनस एमपीसी, के इक्वल्स वन माइनस 0.6, के इक्वल्स 0.4, वन ओवर 0.4, ठीक है, 0.4 नीचे आ गया, मतलब ऊपर 10 चला गया, नीचे 4 आ गया, सो के इक्वल्स 10/4, 2.5, ठीक है, क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के 1 ओवर एमपीएस, 1 ओवर 0.75, के इक्वल्स 100 ओवर 75, ठीक है, 4/3, के इक्वल्स 1.33. Once you have done, give me a thumbs up so that I can move further. बेटे कई बारी हमें online mode में नहीं पता चलता अपनी speed का, कई बारी fast हो जाती है, so you need to tell us when you are there in front of us. तो आपके expression से या हम आपकी notebooks देख लेते हैं कि आप are you still doing it? But here you are not, you're not having your videos on, so we can't come to know. So you have to correspond with us, communicate with us. In some way or the other. Okay, so many students have given me their consent. Yes, I can move ahead. Let's start. Third question. In an economy, change in investment is rupees 100. तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मैंने सीधा डेल्टा आई लिख दिया है. इन एन इकोनॉमी चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 100, एज ए रिजल्ट चेंज इन इनकम इज रुपीज 1000. फाइंड के, ठीक है, अब के का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? के इक्वल्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, जो गिवन इंफॉर्मेशन है बेटे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है. सो सॉल्यूशन करें, वी नो दैट के इक्वल्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, 1000/100, दैट इज 10. तो बेटे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, वो देख के ही बता सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी 100, इनकम कितनी बड़ी 1000, तो 10 गुना बड़ी है. यू डोंट इवन नीड टू यू नो राइट डाउन द फॉर्मूला. ऑफ कोर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट यू नीड टू राइट, बट अदरवाइज आपको देख के पता हो चल जाना चाहिए कि हाँ इस इकोनॉमी में 10 का मल्टीप्लायर ऑपरेट कर रहा है क्योंकि इनकम 10 टाइम्स बड़ी, ठीक है. After your thumbs up, I will move ahead with the next question. All right. So next question. In an economy, MPC is equal to 0.75 and डेल्टा आई इज इक्वल टू रुपीज 400. फाइंड डेल्टा वाई. एमपीसी 0.75 है, डेल्टा आई 400 रुपीज है, यानी इस इकोनॉमी में लोग अपनी एडिशनल इनकम का 75% हिस्सा खर्च देते हैं. इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई 400 करोड़ की, तो बताओ इनकम कितने गुना बड़ी.
तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, कितने गुना बड़ी, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, 1/(1-MPC, तो इसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एमपीसी कितना है, 0.75। डेल्टा है यानी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 400 की। ये क्या हुआ, 1-0.75, 1/0.25, 100/25, ठीक है ना, 1/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल 4 × 4 = 1600। तो इनकम कितनी बड़ी, 1600 करोड़, या जो भी साथ में उन्होंने लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली इनकम की वैल्यू आ जाएगी। अगर मल्टीप्लायर 1/3/4 है, 1/(1-3/4), 1/4, 4 आ गया, 4 गुना हो गई, ठीक है, 1600। गॉट इट, बता दीजिए जब हो जाएगा। All right, next. In an economy, you need to write down this question. In an economy, 75% of the additional income is spent on consumption. 75% of the additional income is spent on consumption. An investment of rupees 1000 is made in the economy. Calculate the increase in income and increase in consumption. Calculate increase in income and increase in consumption. तो सबसे पहले बेटे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें गिवन क्या है। सबसे पहली लाइन उसने कहा है कि इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी अगर इस इकोनॉमी में लोगों की इनकम 100 रुपया बढ़ती है तो 75% जो है वो खर्च देते हैं। इसका मतलब आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन एमपीसी, हाउ मच, 0.75, डेल्टा सी 75, डेल्टा वाई 100, एमपीसी क्या आ गया, 0.75। फिर इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई ₹1000 की, अब वो पूछ रहा है इसके बेसिस पर मुझे ये बताओ कि इस इकोनॉमी में इनकम कितनी बड़ी और कंजम्पशन कितनी बड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम कितनी बड़ी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उसके लिए चाहिए। मल्टीप्लायर की वैल्यू किससे डिटरमिन होती है, 1/1-MPC से। उसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 1/(1-0.75) into 1000, ये आ गया 1/4, 4 times, यानी इनकम कितनी बड़ी, 4 × 1000, 4000, 4000, ठीक है। अब डेल्टा सी कंजम्पशन कितनी बड़ी, जब इस इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी 4000 तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये हमें निकालना है। तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द एमपीसी, एमपीसी को डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर दो,
आपके पास डेल्टा सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि भी हम 75% खर्च देते हैं, तो अगर आपके 4000 बढ़े तो उसका 75% निकाल लो, 0.75 इंटू 4000, सो 3/4 रुपीज 3000 इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटे? नो डाउट? वंशिका, पिया, शैलजा, ऑल राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 12,000। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 12,000। ध्यान से करना बेटे, थोड़ा सा टिपिकल है। The ratio of MPC and MPS is 3:1. The ratio of MPC and MPS is 3:1. Calculate additional investment required to calculate the additional investment required to reach the new equilibrium level of rupees 20,000. New equilibrium level of rupees 20,000. Question को समझते हैं। पहली line उसने कहा एक इकोनॉमी है जिसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ है। 12,000 करोड़ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को हम बाय ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस इकोनॉमी में, इकोनॉमी ये जो इकोनॉमी है वो 12,000 करोड़ पे इक्विलिब्रियम अटेन करती है, ठीक है। दूसरी बात, द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। उसने नहीं बताया इस इकोनॉमी में एमपीसी क्या है, उसने नहीं बताया इस इकोनॉमी में एमपीएस क्या है। उसने कहा एमपीसी और एमपीएस का जो रेशियो है वो 3:1 है। कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमपीसी फ्रॉम हियर? एमपीसी इज टू एमपीएस इज 3:1। अब हमको ये भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है, एमपीसी और एमपीएस में इनका सम टोटल क्या है, इट इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट एमपीसी विल बी इक्वल टू 3/4 एंड एमपीएस विल बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि इनका रेशियो 3:1 है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो 3/4 और 1/4 को, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं था, हमें तो रेशो गिवन थी, हमने उससे वेरी स्मार्टली एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, उसने बता दिया कि इक्विलिब्रियम इनकम 12,000 है, एमपीसी इतना है। अब वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल 20,000 तक जाए, ठीक है। 20,000 का इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए, अभी 12,000 है करंट, हम चाहते हैं कि 20,000 पे ये इक्विलिब्रियम अटेन करे। अगर 20,000 पे इक्विलिब्रियम अटेन करे, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम 20,000 आए,
इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अब मैं 20,000 तक इकोनॉमी को लेके जाना चाहता हूँ, करंटली इकोनॉमी 12,000 पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, इसका मतलब वो 8,000 से इकोनॉमी की इनकम को बढ़ाना चाहता है। यस, न्यू द इकोनॉमी वॉन्ट्स टू अटेन द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000, यानी इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय ₹8,000। तो पूछ रहा है इसके लिए बेटे इनकम बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो वो कहता है मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं इस इकोनॉमी में कि इसका इक्विलिब्रियम 12,000 से बढ़ के 20,000 हो जाए, यानी 8,000 रुपए इसकी इनकम बढ़ जाए। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट फॉर्मूला वी नीड टू यूज? सो डेल्टा वाई कितना? 8,000 बढ़ाना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा वाई इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी। बेटे अनदर थिंग, आप इसकी जगह एमपीसी की जगह 1/MPS लिख लो, इजी हो जाता है आपकी कैलकुलेशंस। और कई बार ये गिवन नहीं है तो आप एमपीएस लिख लो। 8,000 इनकम बढ़नी चाहिए, एमपीएस कितना है 1/4, तो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 2,000 रुपए। यानी डेल्टा आई, यानी इस इकोनॉमी में आप 2,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम 8,000 बढ़ेगी। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट बेटे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देन। आई एम इरेजिंग द फॉर्मूलाज एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज ₹400। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी is 400 and full employment level of income is ₹700। वो कह रहा है कि इकोनॉमी 400 पे इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन अगर ये इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है तो वो 700 करोड़ रुपए इनकम पे होगा। अभी तो ये 400 पे है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो इसका इनकम कितना होना चाहिए? 700। वो कहता है व्हाट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द इकोनॉमी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.4। वो कहता है अगर इस इकोनॉमी में एमपीसी 0.4 है तो हमें कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकें। बेटे क्वेश्चन की अगर इंटरप्रिटेशन हो गई तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम चाहते, हम इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन करें? 400 पे। चाहते कितना है? 700। यानी हम कितने की इनकम बढ़ाना चाहते हैं? 700 पे हम चाहते हैं, 400 पे हम बैठे हैं, तो 300 की इनकम बढ़ाना चाहते हैं ना हम। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? तो हमें पता है कि हमारी इनकम डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इनकम कितनी बढ़ानी है? 300। एमपीसी कितना है? 0.4। तो 1 - 0.4 कितना आ गया? 0.6। डेल्टा आई कितना करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300 × 0.6। 10 कट गया, 180 की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इकोनॉमी में 300 करोड़ की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर?
Anyone, any doubt?